जब आप ऐसे लिखते हैं ऐसे एक बार पहले आपने यू डिसाइडेड ओवर द टॉपिक विच वन यू वांट टू चूज, उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, यू नो ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू. ओके, व्हाट डज दिस ऐसे डिमांड फ्रॉम मी, ये ऐसे एक्चुअली में पूछता क्या है, व्हाट शुड बी माई लाइन ऑफ थिंकिंग. टेक अ रफ पेज जो आपकी आंसर बुकलेट है, आंसर बुकलेट के एंड पे आप एक पेज पे थोड़ा सा रफली बना सकते हैं, एक आउटलाइन, एक बाउंड्री सा बना सकते हैं. हाँ ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन में दीज आर द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जब मैं मेन बॉडी लिखूंगा दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस दैट आई एम गोइंग टू टच. ओके, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट इन दिस वे, ये ट्विस्ट या ऐसे कंक्लूड करना चाहूंगा. सो यू एक्चुअली डिफाइन दैट बाउंड्री फॉर यू. इससे दो चीज फायदा होगा, एक तो आपने जो ऐसे के बारे में जो चीजें आपने सोचनी है, ओके यू हैव स्पेंड टाइम ऑन दैट. ओके, यू मे टेक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इवन हाफ एन आवर ऑन दिस, ऑन मेकिंग दैट आउटलाइन. ओके, फिर जब आप लिखोगे आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू वुड हैव यू नो अपने पॉइंट्स और मेन एरियाज जो भी आप लिखना चाहते हैं, यू हैव ऑलरेडी जॉटेड देम डाउन. नंबर वन. नंबर